पांच हिस्सा है आपके पास? नहीं, पांचों हिस्सा नहीं है आपके पास, वो भी नहीं। हाँ, पांच बिस्सा और खेत पाए है। अच्छा, खेत पाए हैं आप? पांच बिस्सा केवल, बस वही। खेत में जमीन घर बनवा सकते थे, खेत में? अब हम जाने उन्हें खाइए ही नहीं है। अब हम पानी में कहाँ बनवाई है, ताल में। तो कितने साल से रह रहे हैं? अरे लगभग 60 साल है। खलिहान की जमीन? खलिहान की जमीन। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं वहीं पर आया हुआ हूं जहां का इस वक्त विवाद चल रहा है। दो किसान संगठन आपस में भिड़े हुए हैं। एक किसान संगठन आरोप लगा रहा है कि ये लोग खलिहान की ज़मीन पर कब्जा करके जो है दबंगई से ये लोग रह रहे हैं। आइए, जो लोग खलिहान की ज़मीन पर रह रहे हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ये लोग कब से रह रहे हैं, आखिर खलिहान की ज़मीन पर जो है रहने की ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन लोगों ने खलिहान की ज़मीन को ही, सरकारी ज़मीन को ही चुना। क्या नाम है आपका? रामराज। रामराज, आप यहीं के हैं, सपा के? सपा है के। अच्छा अच्छा आप किधर रह रहे हैं? इधर दक्षिण साइड में है। अच्छा, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। पूरा अच्छा है। आप इधर ही रह रहे हैं? हाँ हाँ, इधर ही रह। अच्छा, जो भैंस बंदी है आप ही की है? हाँ, मेरा ही है। अच्छा, कुंडी से उधर है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो कितने साल से रह रहे हैं आप? अरे लगभग 60 साल है। अच्छा, है खलिहान की जमीन? खलिहान की जमीन है। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं ये बता रहे हैं खलिहान की जमीन ही है। और आइए, आपको जो है आइए लेकर चलते हैं और आपको बता देते हैं। आइए 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 चाचा, आइए आइए। ये बताइए, खलिहान जमीन कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? अरे खलिहान के जब अच्छा यहाँ से पड़ता है। अच्छा, यहाँ से इस पार से पढ़ने लगा और उधर की कहाँ तक गया? उधर लिखित में है। अच्छा, वो लिखित में है? हाँ, लिखित में है। और बाकी ये जो मतलब जंगल है, पेड़ वगैरह है, ये पूरा खलिहान में आता है? पूरा खलिहान में है ना। हाँ। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं एक दादी और हैं। इधर आ जाइए दादी, इधर आ जाइए, आइए 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 आइए। क्या नाम है आपका? शकुंतला। अच्छा, आप भी यहीं रहती हैं? नहीं, हमारे कहीं नहीं है। हाँ, नहीं। अच्छा, उस पार है आपका? हाँ। अच्छा अच्छा, उस पार है दादी का। तो ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, आपको मैं बता दूं दर्शकों, ये जो घर बना है ये भी खलिहान ही पड़ता है ना? खलिहाने में है, खलिहाने में है। पूरा खलिहान? हाँ, पूरा खलिहान में है। अच्छा अच्छा, हाँ। वो दादी लोग आ गई, वो लोग? हाँ हाँ, ये पूरा खलिहाने में है। यहाँ से वहाँ से लेके ये पूरा खलिहान में तिरछी में है ना जमीन। अच्छा, अच्छा। हाँ, ऐसी क्या नौबत आई, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि आप लोगों को खलिहान की ज़मीन को चुनना पड़ा रहने के लिए, घर बनाने के लिए? ये मजबूरी रही तब नहीं रहा जगह, कहाँ जाए ही सब। अच्छा अच्छा, आपके पास कोई खेत नहीं है? खेत नामी बिस्सा खेत ही बैठे, पाँच बिस्सा में का हो? अच्छा, पाँच बिस्सा आपके पास खेत है बस? अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं दादा का कहना है पाँच बिस्सा खेत है, पाँच बिस्सा में कुछ हो नहीं रहा था इसलिए। ये देख सकते, इधर आ जाइए आप, इधर आ जाइए। आप भी इधर रहती हैं? नहीं, हमारा उधर है। अच्छा, आपका खलिहान में नहीं है? नहीं, खलिहान में नहीं, खलिहान में नहीं है। ए दादाजी, इधर आ जाइए, आ जाइए इधर। यहाँ कहाँ तक खलिहान में पड़ता है? आइए 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 आइए। तो ये दादा जो है बताएंगे, पूरा जानकारी यही देंगे क्योंकि हम तो नए हैं। हाँ। तो मतलब वो वाली जो है? हाँ हाँ, वो जो आखिर में भैंस बंधी है वहाँ पर है। अच्छा अच्छा, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए दर्शकों, ये सब जितने भी घर है, ये जितनी भी भैंस वगैरह बंधी हुई है, सारे खलिहान में आते हैं दादा? सब खलिहान में आते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आप लोगों के पास जमीन कम थी इसलिए खलिहान में रहने का जो है नौबत आई आप? हाँ हाँ, नौबत आई है ही बाटे। अब जब ना ही जगह बांटे तो कहाँ बने हैं? आइए महिलाओं से भी पूछते हैं, इन लोगों का क्या कहना है, कहाँ है ये? अच्छा, चलें साहब, हमारे पहन के देखें। आइए आइए, आ जाइए आ जाइए आइए। जो यहाँ पर पुराने लोग रह रहे हैं उन्हीं लोगों से जो है हम बात करेंगे। दादी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम राजकुमारी है। क्या कहेंगी आप? हम चलो उधर तो हम चले कहेंगे साहब। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आपको दिखाते हैं। और ये जो जमीन, जिस जमीन पर आरोप लगा रहे हैं दूसरे किसान संगठन के लोग कि इन लोगों के पास जो है जमीन होते हुए भी ये लोग
मतलब खलिहान की जमीन पर कब्जा किए हैं, दबंगई से उन लोगों का आरोप है कि रह रहे हैं। ये यही जमीन है आप देख सकते हैं, जिसका इस वक्त विवाद काफ़ी चल रहा है। दो किसान गुट आपस में भिड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर हैंडपम्प भी लगा है, ये ट्रैक्टर वगैरह आप ही का है दादी? ट्रैक्टर किसका है? हाँ, इन्हीं का है। आपके पिताजी क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं, ये ट्रैक्टर आप ही का, ये जमीन आप ही की है? कस के बोला करे, आप लोग ही रहते हो इसमें? नहीं। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? धर्मराज। ये आप लोगों का ही है? हाँ, हमारे चरण के ये लोग हैं। अच्छा, अच्छा, उस तरफ है? हाँ, उस तरफ है, हमारा वहाँ तरफ है। आपका भी खलिहान में पड़ता है? हाँ, खलिहान पड़ता है। अच्छा, भैंस बंधी हैं, भूसा चारा रखे हैं। अच्छा, जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग जो है अवैध तरीके से कब्जा किए हैं, दबंगई से कब्जा किए, इस पे क्या कहेंगे? दबंगई से नहीं कब्जा, कम से कम 60 साल से कब्जा है। हाँ, अब भैंस गोरू बंद रहा, गरीबी है, कोई काम के है नहीं, जमीन के पास है नहीं, तो जाए कहाँ? जमीन नहीं आपके पास? नहीं, जमीन हमारे पास है। जमीन कोई नहीं है? कोई जमीन नहीं है। अच्छा, 5 बिस्सा है आपके पास? नहीं, 5 बिस्सा नहीं है। अच्छा, आपके पास वो भी नहीं? हाँ, 5 बिस्सा पाए हैं। 5 बिस्सा वो खेत पाए है। अच्छा, खेत पाए हैं आप? 5 बिस्सा केवल, बस हो गया। खेत में जमीन घर बनवा सकते थे खेत में? अब हम जाने उन्हें खाइए ही नहीं है। अच्छा, अब हम पानी में कहाँ बनवाई है, ताल में। क्या नाम है आपका? ये महिला भी आई है, आपका नाम क्या है? प्रभावती। प्रभावती जी, आपका भी घर खलिहान में है? हाँ। अच्छा अच्छा, पति का नाम क्या है आपके? धर्मराज। ससुर जी का नाम क्या है? बाबूलाल। बाबू जी के पिता का नाम पता है? सदलू। सदलू नाम है, तो वो भी यहीं पर रहते थे? हाँ, उनका वो भी खलिहान में ही रहते? हाँ, उसी खलिहान है। अच्छा अच्छा, उसी खलिहान से हम पर चले आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो आप लोग कर रहे हैं, क्या लीगल है या इलीगल है, मतलब सही है या गलत है? यहाँ गलत है। गलत है रहना? हाँ। तो आप क्या चाहती हैं? हम पर रहना चाहते हैं, यहाँ पे। यहाँ पर रहना चाहते हैं? हाँ। कहाँ जाए? कहाँ जाए, ना घर ना मकान, यही खलिहान है, खलिहान में रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो कहाँ जाए? आज फाटन फाल हो गया वहाँ। अच्छा, कितने घर है पूरे खलिहान बने हुए? बस यही दो जगह है। दो जगह ना है, कम से कम 60 आदमी है यहाँ खलिहान में। 60 लोग होंगे, मतलब कितना परिवार है यहाँ पर? 6-7 परिवार होंगे? 6-7 परिवार और है, और है। आपका आपका नाम क्या है? अरे, हमारा वहाँ हमारा विभा पटेल है। आपका खलिहान में नहीं है, आपका खुद का है ना? क्या नाम है आपका? विजय रानी सिंह। क्या कहेंगे, पति का नाम बता दीजिए पहले। श्री शिव सुधाकर पटेल। अच्छा, पति मतलब आपका भी खलिहान में ही है घर? नहीं, आपका नहीं है? मेरा नहीं है, पर हमारे जमीन का विवाद वही लोग किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, कौन किया है? धर्मेंद्र पटेल। अच्छा, धर्मेंद्र पटेल बहादुर का लड़का। अच्छा अच्छा, वही लोग आरोप लगाए? वही लोग आरोप लगा रहे हैं, और लिखित जमीन में हम लोग के वो रास्ता जबरदस्ती निकाल रहे हैं। अच्छा। जो हम लोग का उधर जमीन है 20 से आके नेकपाल और कानगो नाप के गया है जबरदस्ती, और वो इलीगल है, जो की जो हम कहते हैं खरिहान है वही करिए ना। पहले जहाँ उन जो एफ आई ओ किए हैं कार्रवाई उनकी, जबकि 5 बीघा वो खुद खरिहान अपहरे हुए हैं। अच्छा, बोर उनके ऊपर? हाँ, वो लोग आरोप हम लोग के बस लिखित जमीन में, भूधरी जो जमीन है वहाँ से जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहते हैं। अच्छा। जो कि इलीगल वो जमीन अपहरे हुए हैं 5 बीघा, उसमें नाप नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा। करें, हम नहीं करने देंगे। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी जो है इन लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं और इन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन भी दिए हैं। आके जबरदस्ती धर्मेंद्र जी बुला के नेकपाल कानगो को उधर आके सीढ़ी उड़ी सब बन रही थी उसको गिरवा दिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त खलिहान में क्या आपको दिखेगा। ये खलिहान में आपको ये जंगली पेड़ दिखेंगे, और आपको आ जाइए, आराम से आइएगा, फिसलिएगा नहीं। ये खलिहान में आपको ये हैंडपम्प दिखेगा, और ये खलिहान में आपको एक इधर हैंड पंप और दिखेगा, एक इधर भी हैंड पंप दिखेगा। और आप देख सकते हैं ये पूरा, ये लोग जब से रहने लगे हैं तब से अपने अपने सामने तक की ज़मीनों पर जो है रख रखाव करने लगे हैं, गोबर पाथने लगे हैं, उपली कंडा बनाने लगे हैं, कोई जो है बोर करा लिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तमाम तरह की चीज़ें, मतलब एक तरह से
ये लोग इस जमीन को पूरी तरह से व्यस्त कर दिए हैं। आइए इधर देख सकते हैं, इधर भी है, इधर आ जाइएगा थोड़ा, इन लोगों से भी बात करते हैं। ये लोग भी जो है तालाब की जो है खलिहान की जमीन पर हैं। तो दर्शकों ये देख सकते हैं, ये लोग भी भैंस बांधे हुए हैं, इनका भी एक हैंड पंप है, देख सकते हैं हैंड पंप इनका भी है, ये हैंड पंप है। आ जाइए आप भी, आ जाइए आप। हमारा बयान ले साहब। हाँ, हमारा नाम है राजकुमारी। हाँ साहब, ऐसे हम बहुत दिन से हमारे ससुर रहें, ससुर का हमारे बाप रहें, हमारे ससुर रहें, हमारे पति भी रहें। अब साहब बच्चे लगे हम लोग कहाँ जाए, देखा हमारी तीन थोड़ी सी दीवार, देखो खाना बनाने के। ये आपका ही घर है? घर है, ये दादी का ही घर है। ये भी खलिहान में आता है, पक्का मकान बन गया है। और सोचिए अब ये पक्का मकान बन गया है, ये अगर टूटेगा तो कितना नुकसान होगा, इन लोगों का नुकसान तो होगा ही। खाना बनाने के साहब गली हमारे लोग नहीं, तो हम लोग कहाँ जाए, पहले से बहुत दिन से है, हम लोग के मालूम नहीं रहा। अब घर में आप लोगों को नहीं पता था कि ये खलिहान है? नहीं, अब पता भवा है, अब पता भवा है, दो चार दस दिन से पता हुआ है जाना। नहीं, हम लोग नहीं जाते रहे जाना, जब सबके बस यहाँ है, सबके वो कहे है तो कहाँ जाए साहब, कहाँ निकालत है। रोइए ना आप, इधर में नेता जब से वही कहे ना, ये कुल गांव सारे गांव भी नवाई दे हैं जान। धर्मेंद्र किसान नेता परेशान कर रहे हैं। हाँ, देखो तालाब में अपना 5-12 बीघा का तालाब है, 5 बीघा आप लोग अकेले या पहरे हैं जाना, हरजन के वादी में आप घर बनाए हैं जाना। अपने आप इतने बड़े नेता हैं, खेतों उनके 2-4 बीघा पर, हम लोग इनके साहब कुछ ना है, हम लोग गरीब मनाई छोटे छोटे बच्चा लगे, आप कहाँ जाए बताओ। क्या नाम है, क्या दादी क्या कहेंगी? हाँ, हमारे हम बसे हैं, हमारे एक बिस्सा खेत बाड़ी नहीं बेटा। हाँ। हमारे बच्चे 3 हैं। हाँ। हमारे बच्चे को निकारा था घर से। हाँ। यहाँ से वो हमारे ओरे पर है। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो बगल वाला। हाँ, यही नेता जो है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे। हाँ, 3 बच्चे। पति के नाम दादी क्या है? जंग बहादुर। पति खत्म हो गया है। उनके पिताजी भी रहते थे यही? हाँ हाँ, बहुत दिन के है हम पति, बहुत दिन के है साहब। मुना अब आज ऐसा से ये निकारत हैं कि हम रह गए। हाँ, वो कहता है कि हम रह गए। अच्छा। हाँ, वो कहता है कि हम रह गए। हाँ, ये लोग हट जाए। और लोग हैं, ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। आ जाइए आप भी, आ जाइए, आ जाइए आप। आप कहाँ की है? इसी में है। अच्छा, क्या कहना है आपका? हमको कुछ नहीं कहना है, इन लोगों को तकलीफ है, यहाँ से निकाल दिए जाए। तुम लोग को तकलीफ नहीं है? नहीं नहीं, मेरा उस पट्टी में, इन लोगों का है मेरा। अच्छा, आपका उस पट्टी में, ठीक है ठीक है, ठीक 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 है ठीक है। हमारे कानून है बेटा। हाँ, हम कोई निकाल से कहाँ जाए। अधिकारियों से क्या कहेंगे, अधिकारियों से क्या गुहार लगाएंगे? हाँ, अधिकारियों से यही कहेगा भाई कि हमको यहाँ से निकाले साए, हमारे खेत एक बिस्सा नहीं, हमका कहीं देगा, यहाँ से निकाले हमको कहीं दे दे। वो तो भाई 10 बीघा काशकार है, 10 बीघा। आपको जो है अगर यहाँ से हटाया जाए तो आपको कहीं इसके एवज में कहीं दूसरी जगह जमीन दे, हमका दई दे, हमका बैठाई दे, तब हम हटब बेटा, नहीं हटन ने। अच्छा। हम जान दई दे चाहिए, जान दई मार डाल, हम लोग हट नहीं सके। हाँ, मार डाल, वो मारे कितना ही है। आइए और देख सकते हैं, इधर आ जाइए। आपको बता दें कि ये भी तालाब जो है खलिहान में है। अच्छा, कहाँ तक पड़ता है ये? अच्छा, ये जो पक्का बना ये भी है? नहीं, पक्का मकान बगल के है। अच्छा, वो भी खलिहान में है। आ जाइए आ जाइए, ये देख सकते हैं, ये वाला जो पक्का मकान है ये भी खलिहान में बना है, ये इनका है, ये इनका घर है। आइए आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? रेखा। पति का नाम क्या है? संजय। संजय। इनके आपके ससुर जी का नाम क्या है? राम सजीवन। राम सजीवन जिंदा है अभी? हाँ, जिंदा है। तो क्या कहेंगे आप लोगों को, एक तरह से ये दिखाया जा रहा है कि आप लोग इनलीगल तरीके से खलिहान में जो घर बनवा लिए हैं, रह रहे हैं, ये जो है सही नहीं है, कानूनी तौर पर गलत है, तो इस पर क्या कहेंगे? कहाँ जाई हैं बच्ची, नान गदे ले कहाँ जाई, आप ही बताई दें। और घर जमीन नहीं, नहीं, नहीं। नान गदे ले कहाँ जाए, जहाँ कहा हुई चली जा जाए बच्ची। अच्छा। हाँ, कितने बच्चे हैं आप? तो
अच्छा, पति आपके कितने भाई हैं? पाँच है। पाँच भाई, हाँ। काफी लंबा परिवार। हाँ लंबा परिवार, हम लोग यहाँ यहाँ दो लोग रहते हैं। हाँ इतने कमरे में दो लोग रहते हैं हम लोग। हाँ ये आवास मिला था कि वैसे? खरिहान है ये, मतलब ये अपने दो अपने से बनवाए थे? अपने से बनवाए थे हम लोग। हाँ इधर दादी, इधर हो जाइए। हम अपने से बनवाए थे। अच्छा, अपने कमाई कमाई के। पति क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, गाड़ी चलाते हैं। पहले मैं जाते थे, लेबर आना करते थे। हाँ। अब जो है गाड़ी निकलवा दिए हैं, ये बैटरी वाली। हाँ। ये चलाते हैं। हाँ आइए, ये दादी से बात करते हैं। दादी का क्या कहना है? थोड़ा पैर धस रहा है। क्या नाम है दादी आपका? हमारा भगवाना देवी नाम है साहेब। पति का नाम क्या है दादी? बताए इंद्रेश बहादुर। इंद्रेश बहादुर जी। तो बच्चे कितने हैं दादी आपके? दो ही हैं। हाँ। दो बच्चे हैं। ससुर जिंदा है अभी कि नहीं? नहीं, ससुर ससुर के जिंदा नहीं है। ससुर जी भी यहाँ पर रहते थे? नहीं, वो नहीं रहते। अच्छा, मतलब आप मायके में है? हाँ। अच्छा अच्छा, मायके में बस गई है। हाँ। तो ये है, हमने आपको दिखाया कि ये जो खलिहान है। अच्छा, आगे तक भी पड़ेगा? बस इतने समाप्त है। इधर से आपको दिखा देते हैं, इधर से आपको दिखा देते हैं। अच्छा आइए 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 आइए, सबसे बात करते हैं। हमारे यहाँ भर आए हैं कि जहाँ खलिहान है कुल दर गए हैं आप लोग? कहां? और कहीं है खलिहान? हाँ सबसे बात करिए। सबसे बात करिए। गिरे तब हमारा लोग के गिरे। अच्छा, उधर भी गिरे? उधर भी गिरे। जो नेता लड़ा है, धरना धरा है ये। आइए आइए और लोगों से बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये भैंस मारेगी तो नहीं दादी? तो देख सकते हैं, मार देगी, मार देगी ये भैंस, मार देगी। तो दर्शकों, मैंने आपको दिखाया कि खलिहान में जो इस वक्त ये लोग रह रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, इस वजह से हम लोगों को मजबूरी में यहाँ पर रहना पड़ रहा है। मजबूरी में हम लोगों ने यहाँ पर घर बना लिया है, और अगर यहाँ से निकालती है, यहाँ से सरकार शासन प्रशासन के लोग अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो इसके एवज में कहीं और ज़मीन दे। और आपको ये भी बता दें, आइए थोड़ा इधर आ जाइए, यहाँ ये सब जो देख रहे हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि ये सब सारे जो दिख रहे हैं ज़मीन, ये पूरे खलिहान में आते हैं। और आप देख सकते हैं कि जानवर बांधे हुए हैं, पालतू पशु ये लोग बांधे हुए हैं। और ये एक दादा, इनसे बात करने का कोशिश करेंगे। थोड़ा दादा को उठा दीजिएगा, तो बुज़ुर्ग लोगों से बात करना थोड़ा ठीक रहेगा। कहाँ से समाप्त होता है खलिहान? यहाँ से? अच्छा आगे, वो जहाँ भैंस बंधी है वहाँ से खलिहान समाप्त हो जाएगा। तो ये दादाजी से बात करते हैं, आइए इनका क्या कहना है। क्या नाम है दादा? मेरा नाम असरफीलाल पटेल है। अच्छा अच्छा, कितना उम्र है आपका? हमारी उम्र लगभग 53 साल है। 53 साल के हो। पिताजी के आपके नाम क्या है? जंग बहादुर पटेल। पिताजी आपके यहीं पर रहते थे? हाँ यहीं पर, यहीं पर। अच्छा अच्छा, हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं? 4 बच्चे, दो बच्चा। अच्छा, सारे 6 के 6 बच्चे जितने हैं, शादी हो गई कि नहीं? अभी नहीं, 3 ठोक हुई, 3 लड़की की है शादी। अच्छा। जो लड़के आपके रह रहे हैं, जिनकी शादी हुई है, दादी दादी दादी, जो जिन लड़कों की आपकी शादी हो गई है, वो भी मतलब खलिहान में ही रह रहे हैं? जी हाँ, अपने अपने घर चली गई हैं सब। अच्छा, अच्छा, लड़की हमारी। हाँ। जहाँ शादी कर दिया चले लड़के आपके? लड़के हाँ यही रहते हैं, खलिहान में ही रह रहे हैं। हाँ, लड़का एक विकलांग है। हाँ। एक लड़का छोटा सही है। लोग कह रहे हैं आपके, आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग गलत कर रहे हैं, खलिहान की जमीन पर कब्जा कर लिए हैं जो कि इनलीगल है, असंवैधानिक है, उस पर क्या कहेंगे चाचा? अब हमारे पास कोई जमीन है नहीं, न हमारे पास खेत है। ठीक, अब हम सरकार जहाँ कहे वहाँ मैं जा सकता हूँ, जहाँ हमको दें वहाँ हम चले जाएंगे। हाँ। सरकार जहाँ कहे वहाँ हम चले जाएंगे, सरकारी जमीन है ये। हाँ। सरकार जो कहेगी मानेंगे। हाँ हाँ, सरकार जहाँ कहे वहाँ हम चले जाएंगे। देख सकते हैं, ये इनका कहना ये है कि एक तरह से जांच हो, सरकार जहाँ कहेगी वैसा हम करेंगे। हमारे जमीन बेचा नहीं है। हाँ। आ जाइए, आपको बताया मैंने कि जो है ये सपहा गाँव है। सपहा गाँव जब आप जसरा से होते हुए आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो ये रेरा पहुंचेंगे, तो रेरा गांव के ही
जो है दाहिने तरफ ये पड़ेगा ये खलिहान, वहीं पर था मैं। और इन लोगों से मैंने बात किया तो इन लोगों ने यही कहा कि हम लोग जो है करीब 40 साल 50 साल 60 साल जो जैसा बताया कि हम लोग रह रहे हैं और ज़मीन नहीं है इन लोगों के पास। कुछ लोग बताए कि कुछ लोगों के पास हालांकि दो चार बिस्सा ज़मीन है, उससे इन लोगों का नहीं हो पा रहा है। और इन लोगों का कहना ये है कि अगर सरकार या शासन प्रशासन के लोग हमें हटाते हैं, ये खाली कराते हैं, तो उसके इसके एवज में दूसरी जगह ज़मीन का व्यवस्था कराएं, तभी हम लोग छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। बाकी आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ, राज रावत के साथ। हम इस खबर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, जो दोनों किसान गुट हैं, दोनों किसान गुट से हम बात करते रहते हैं, बीच बीच में दोनों का ही प्रतिक्रिया ले रहे हैं। और जैसे कि ये लोग भी आरोप लगा रहे हैं उस किसान गुट पर, उनसे भी उनका बयान लेंगे जल्द ही। बने रहे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ, नमस्कार।